Now students, after the completion of central nervous system, peripheral nervous system, as well as the autonomic nervous system, now we are moving towards the such type of the specialized structure in our body, which can be called as the doors through which we can feel the changes, which are maybe the external changes or maybe the internal changes. तो ऐसे doors को हम बोल सकते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स, जिनके द्वारा चेंजेस को रिसीव या इनपुट किया जाएगा एंड वी फील अबाउट सच टाइप ऑफ द चेंजेस. नाउ द एंटायर चार्ट ऑफ द वेरियस रिसेप्टर्स एक्चुअली गिवन ऑन योर दैट इज अ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 201. तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 201 अगर हम देखेंगे तो वहां पर एक कंप्लीट चार्ट दिया हुआ है जहां पर डिफरेंशिएशन किया गया है डिफरेंट रिसेप्टर्स का. वीडियो देखते समय उस चार्ट को सामने रखना है आपको और इस वीडियो को सुनना है, देखना है, ताकि क्लियर कट आइडिया आपको मिल सके. अभी हम जब भी पढ़ते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग दैट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनके पास से जब नर्व फाइबर अराइज होते हैं तो दीज आर मेनली सप्लाइड टू द टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. पहले है रिसेप्टर ऑर्गन और दूसरे है इफेक्टर ऑर्गन्स, रिसेप्टर ऑर्गन एंड द इफेक्टर ऑर्गन्स. नौ सच रिसेप्टर ऑर्गन ये क्या हो सकते हैं? नौ सच रिसेप्टर ऑर्गन्स, दिस मे बी द इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल सेल जस्ट लाइक अ रॉड सेल, कून सेल्स ऑफ द रेटिना, जिनको हमको नेक्स्ट पार्ट में आई स्ट्रक्चर में डिटेल में स्टडी करना है एंड इवन दो हाउ दे वर्क्स आल्सो. या कोई स्पेशलाइज टिश्यू हो सकता है जैसे टेस्ट बड्स है टंग पर, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट मींस टिश्यू, और द एंटायर ऑर्गन लाइक ईयर आई नोज लाइक दिस, तो सेल हो सकते हैं या टिश्यू हो सकते हैं या एंटायर ऑर्गन हो सकता है, दैट इज एंटायर स्किन विच इज अगेन वन ऑफ द ऑर्गन, ओके, जिसके थ्रू हम फील कर सकते हैं टच सेंसेशन, टेम्परेचर चेंजेस, ऑल दीज थिंग्स. या पर्टिकुलरली मॉडिफाइड नर एंडिंग्स हो सकती है, जैसे स्किन में नर एंडिंग्स मॉडिफाई हुई है, दे फॉर्मिंग दैट इज नथिंग बट दी सर्कुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और दीज मॉडिफाइड नर एंडिंग्स गेट सोलन फॉर्मिंग दी कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स to receive the different kinds of the changes. तो ये सेल हो सकते हैं या टिश्यू हो सकते हैं या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो सकते हैं या नर एंडिंग्स के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, जिनके द्वारा हम या नर्वस सिस्टम एक्सटर्नल चेंजेस को डिटेक्ट करती है. इसका मतलब अगर ये ऑर्गन्स नहीं होते या सेल्स या मॉडिफाइड नर्व स्ट्रक्चर्स नहीं होते तो नर्वस सिस्टम किसी काम की नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस को डिटेक्ट करना. And these changes can be called as the stimuli. तो इन receptor organs के द्वारा stimuli को receive करके उनको sensory impulse में convert किया जाता है, ताकि sensory nerve fibers उनको कहां तक conduct कर सके, either brain or the spinal cord. तो main function of such receptor is nothing but the receiving the changes, that means stimuli, and convert the stimuli into the sensory impulse, and then that sensory impulses are conducted towards the central nervous system through the sensory or the afferent nerve fibers, and later on you know the sensory nervous system either brain or the spinal cord receive it, perceive it, analyze it, store such informations, as well as generate the motor impulse which are again carried by means of a motor nerve fibers towards the specialized such organs which shows the appropriate response. Either it is by means of a contraction, nothing but the muscles, or by secretion, nothing but the glands. तो सबसे पहले इन sensory impulse को receive करने वाले या sensory impulse को generate करने वाले changes को receive करने वाले सभी receptor को हम दो category में divide करते हैं. पहले ऐसे receptors जो body surface पर है and can detect the changes which occurs in the surrounding, that is external changes. In external changes को detect, receive करने वाले, उनको detect करने वाले
एक्सटेरोसेप्टर्स विच कैन रिसीव दी एक्सटर्नल स्टिमुलाय, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाय को रिसीव करेंगे, एंड विच आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी, दैट इज नथिंग बट द एंटेरोसेप्टर्स, एंटेरो आईएनटी एंटेरोसेप्टर्स, एंड सच एंटेरोसेप्टर्स और एंटेरोसेप्टर कैन रिसीव दी स्टिमुलाय विच अल्टीमेटली कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, अंदर भूख लगी है, प्यास लगी है, कहीं अंदर पेन हो रहा है, इंटरनल चेंजेस है, इनको रिसीव करने वाले इनसाइड द बॉडी, दैट इज इंटेरोसेप्टर। तो पहले है एक्सटेरोसेप्टर, दूसरे है इंटेरोसेप्टर्स। तो हम चलते सबसे पहले एक्सटेरोसेप्टर्स, एंड नाउ सच एक्सटेरोसेप्टर्स अगेन गेट कैटेगराइज्ड इनटू दी सच सिक्स डिफरेंट टाइप्स। पहला है फोनोरिसेप्टर, फोन नाम में ही फोनोरिसेप्टर्स। इसका मतलब क्या है? ऐसे रिसेप्टर्स जो किसको डिटेक्ट कर सकेंगे, दैट इज अ साउंड वेव्स को, उनको रिसीव करेंगे, साउंड वेव्स को रिसीव करना, एंड कन्वर्ट दैट साउंड वेव्स इनटू दी सच इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स व्हिच गेट कैरीड टुवर्ड्स द ब्रेन एंड देन ब्रेन अंडरस्टूड इट एंड इट इज द व्हिच कैन बी साउंड। ओके, तो अल्टीमेटली सच साउंड रिसेप्शन इट इज डन, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके द्वारा हम सुनते हैं? अल्टीमेटली इट इज अ ईयर, बट व्हिच पार्ट ऑफ द ईयर? बिकॉज ईयर अगेन कैटेगराइज इनटू द थ्री डिफरेंट पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर उनको रिसीव करेगा साउंड वेव्स को, मिडल ईयर उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और एक्चुअली इंटरनल ईयर में जो स्पेशलाइज सेमी सर्कुलर कैनल है, और बाद में सेमी सर्कुलर कैनल के साथ साथ अगेन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, उस कॉक्लिया में दो पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनल, ओके, एंड देन दी कॉक्लिया। तो कॉक्लियर रीजन ऑफ द इंटरनल ईयर हैविंग द स्पेशलाइज्ड बंच और द ग्रुप ऑफ द सेम व्हिच इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाय। हमको पढ़ना है ईयर स्ट्रक्चर डिटेल में, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाय, एंड इन दैट ऑर्गन ऑफ कॉर्टाय देयर आर द स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स व्हिच गेट वाइब्रेटेड एंड जनरेट द सेंसरी इंपल्स, एंड देन सच टू द ऑडिटरी नर्व कैरीज दैट सेंसरी इंपल्स towards the brain, that is auditory area in the lateral temporal lobe, okay, जहाँ पर हम फिर उस sound को detect करते समझते हैं। तो in this way it is about the phonoreceptors, जो कौन से stimuli को receive करेंगे, that is a sound, okay, sound waves। दूसरा है stereoreceptor, static, stable रखना body को, equilibrium maintain करना, ओके, हमने इस इक्विलिब्रियम या बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना ये नर्वस सिस्टम में ब्रेन में स्टडी किया था, दैट इज अ सेरेबेलम पोर्शन, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लोकेटेड पोस्टीरियर, दैट सेरेबेलम इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दी दैट बॉडी पोस्चर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ओके। नाउ सच बॉडी पोस्चर और द इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ये सेरेबेलम का काम है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अलोंग विद दैट मैंने आपको उस समय बताया था, उस वीडियो में आप देख लीजिए जहां पर हमने हाइंड ब्रेन स्टडी किया है, सेरेबेलम पोर्शन स्टडी किया है। अलोंग विद दैट अगेन इंटरनल ईयर, दैट सेमी सर्कुलर कैनल ऑफ द इंटरनल ईयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। वो मैशन होता है जो पर्टिकुलरली पीटों की जुड़ाई करता है, उसके बाद एक लाइट लेवल पाइप होता है, उसमें वो पानी डालते बराबर लेवलिंग करते हैं। तो एक्चुअली ये इंटरनल ईयर के सेमी सर्कुलर कैनल ये लेवल पाइप है जिनके द्वारा बॉडी पोस्चर या इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है। हम कहीं लुढ़कते नहीं, लाइक दिस लुढ़क नहीं जाते। तो अल्टीमेटली दैट प्रोपोर्शनल बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्शन इट इज एक्चुअली डन इन रिस्पॉन्स टू मेंटेन द बॉडी इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ दैट इंटरनल ईयर, स्पेशली विच पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर, दैट इज अ सेमी सर्कुलर कैनल। तो ऐसे रिसेप्टर जो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए स्टेबल रखना है बॉडी को, दैट इज कॉल्ड स्टेटो रिसेप्टर। इसलिए हम ईयर को क्या बोलते हैं? स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन, स्टैटिक एकॉस्टिक फंक्शन, स्टैटिक मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, एकॉस्टिक दैट इज अ हियरिंग, तो स्टेटो एकॉस्टिक।
तो जो हियरिंग पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट इज ही फोनोरिसेप्टर, और जो स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा इंटरनल ईयर का, दैट पार्ट इज कॉल्ड इज ही स्टेटोरिसेप्टर, और दे हैविंग द स्टेटोरिसेप्टर, दे हैविंग द फोनोरिसेप्टर्स. थर्ड इज द फोटोरिसेप्टर. फोटो मींस लाइट एज दे इंडिकेट. तो लाइट रेज एंट्री करेंगे कहां पर, रिसीव किए जाते दैट इज द थिंग बॉडी व्हिच ऑर्गन इन गेट इन्वॉल्व दैट मींस आई. एंड दिस लाइट रेज दे फॉर्म ऑन द रेटिना एंड फॉर्म्स द स्पेशलाइज्ड इमेज. और रेटिना में रहने वाले फिर रॉड एंड द कोन सेल्स, इस जैसे इमेज बनती है, जैसे लाइट वहां पर रेटिनल सेल्स पर, रेटिनल मेम्ब्रेन पर गिरता है, वहां पर जो इमेज बनेगी दैट इमेज दैट अल्टीमेटली लाइट एक्टिंग एज अ स्टिमुलस एंड दीज रॉड एंड दी कोन सेल्स कन्वर्ट दैट स्टिमुलस इनटू दी सेंसरी इंपल्स व्हिच इज कैरीड बाय मींस ऑफ ए दैट नर्व व्हिच इज अल्टीमेटली ए इनटू दी व्हिच एरिया ऑप्टिक एरिया ऑप्टिक एरिया पोस्टीरियर लोब ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम वेयर अल्टीमेटली दैट सेंसरी इंपल्स गेट रिसीव एंड अंडरस्टूड प्रॉपरली. नाउ इन दिस वे तो सर सेंसरी स्टिमुलाई फॉर द विजन दे आर जनरेटेड बाय मींस ऑफ ए सच रेटिना ऑफ द आई व्हिच सेल्स रॉड एंड द कोन सेल्स ऑफ द रेटिना. देन द थर्मोरिसेप्टर टेम्परेचर चेंजेस हमको कहां से पता चलता है, व्हिच इज सच ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी बाय व्हिच वी कैन डिटेक्ट दी दैट इज द थर्मल चेंजेस आदर इट इज टू मच हॉट और टू मच कोल्ड. नो डाउट स्किन. ओके स्किन के द्वारा गर्मी हो रही है तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, फैन लगाएंगे. ठंड लग रही हो हम अल्टीमेटली स्वेटर पहनेंगे. तो इस तरीके से स्किन में रहने वाले जो थर्मल चेंजेस को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स है दीज आर कॉल्ड एज़ द थर्मो रिसेप्टर. तो हियर दे कैन रिसीव द सेंसरी स्टिमुलाई फॉर द हीट. हीट को ज्यादा टेम्परेचर है उनको हम बोल सकते हैं कैलोरी रिसेप्टर्स क्योंकि हम हीट को डिटेक्ट करते हैं या पर्टिकुलर इसको मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज. ओके एंड अबाउट द कोल्ड नथिंग बट द फ्रिजिटो फ्रिज कोल्ड फ्रिज रहता है अपने घर में टेम्परेचर कम रखता है. ओके तो फ्रिजिटो सेप्टर्स कोल्ड को डिटेक्ट करने वाले. तो इन दिस वे दीज आर द थर्मोरिसेप्टर्स फाउंड इन अ स्किन. सच हीट को डिटेक्ट करने वाले पर्टिकुलर जो कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं these are the bulb of crows which are the modified nerve endings jin ke dwara surrounding kam temperature ko detect kiya ja sakta hai. Okay while the again the nerve endings which are called as the raphanese end organs which detect the heat increased temperature in the surrounding which are both are found in the dermal region of the skin. Now next is the about the mechanoreceptors, mechanical changes, mechanoreceptors again found in the skin. Touch होना, टेक पेन है, प्रेशर है, सूख गए हैं, ये मैकेनिकल चेंज हुआ है. टच एयर फ्लो. ओके एयर फ्लो विंड आता है हमको सेंसेशन होता है, नहीं हवा चल रही है स्किन के द्वारा, ये मैकेनिकल चेंजेस. ओके अगेन द डीप प्रेशर such to the receptor which are again located in the skin portion which receive this kind of mechanical changes and now these are called as the mechanoreceptors. Then the chemoreceptors it is important. Abhi chemical particle ko detect karne wale specially two place par receptors. One is a nose जो एयर के द्वारा लाए गए केमिकल पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, ओके? और दूसरे है टंग पर होने वाले टेस्ट बड्स जिनके द्वारा हम फील कर सकते हैं खट्टा है, मीठा है, ओके? बिटर टेस्ट है, कैसी है टेस्ट. तो ये केमिकल चेंजेस, ये केमिकल पार्टिकल जो फूड पार्टिकल के द्वारा एंट्री करेंगे या फूड के द्वारा एंट्री करेंगे, इन केमिकल्स को डिटेक्ट करना, या जो पर्टिकुलर एयर के द्वारा एंट्री करेंगे जो स्टिक होगी केमिकल पार्टिकल्स विद द नजल एपिथेलियम एंड आफ्टर स्टिकिंग विद दैट नजल एपिथेलियल सेल्स क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंसेस इन दैट नजल एपिथेलियल सेल्स एंड अल्टीमेटली जनरेटिंग द इंपल्स
which is ultimately carried by mesophyll, such olfactory nerve, and ends into the olfactory area of the lateral temporal lobe, where such to the sensory impulse are received and understood properly. और तब हम फील कर सकते हैं either the good smell or the bad smell. Just like that, जो food particle के द्वारा chemical entry करते हैं, we stick with the taste buds of the tongue and generate that impulse. And again, such to the impulses carried towards the lateral temporal lobe, जहाँ पर है taste area, जिसको हम बोलते हैं gustatory area. तो पहला है smell से related, olfactory. दूसरा है taste से related, gustatory area. And both areas are located in the lateral temporal lobe of the cerebrum. तो यहाँ पर gustatoreceptor, gustatic function, that means gustatic taste. तो these are the taste buds of ultimately tongue. उनका location कहाँ पर है? Taste buds of the tongue. And these are sensitive to the various kind of the taste. Either the sweet taste, or the bitter taste, or the sour taste, like these. Second is the olfactory receptors, olfactory function. That means nasal function. No doubt these are found in nasal epithelium, and these are highly sensitive to the different kinds of the smells. हम पहचान सकते हैं different flower का, rose flower का कैसा होता है perfume, जासमिन का कैसा होता है, मोगरा का कैसा होता है, ओके okay? अच्छा परफ्यूम है या नहीं है अच्छा, ओके आइदर द गुड स्मेल और द बैड ओडर, इनमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फाइनली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके okay? ऐसे नियर अबाउट 10,000 डिफरेंट स्मेल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, 10,000 डिफरेंट स्मेल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सच सेंसरी epithelium which are present in the nasal portion, nasal epithelial region. Okay, so in this way these are the chemical changes, and so such chemoreceptors, they are under the heading chemoreceptors. So in this way phonoreceptor for the receiving the sound waves, stereoreceptor to maintain the equilibrium, both are ultimately located in the internal ear. One is nothing but the organ of corti, and next is nothing but the semicircular canal. That is the cochlea and the semicircular canal. Next, photoreceptor, light rays fall on the retina of the eyes, and the rod and the cone cell detect this. Okay, that is a photoreceptor. Thermoreceptor, either at much more temperature or the less temperature, that is ultimately located in the skin. Mechanoreceptors, mechanical changes like a pressure, pain, airflow. Okay, then the which are again detected by means of the skin. And then the chemoreceptors, by which we can detect the smell as well as the taste. One nasal epithelium and another the taste buds of the tongue. Now all these are located on the surface of the body. Surface of the body. And therefore can receive the changes which occurs in the surrounding. That means external stimuli ko receive karne. So these are placed under which heading? Exteroreceptors. Okay, and now which are located deep inside the body. Body ke deep hai. That is the interoceptors. Their name, their location and the functions are given. Interoceptors. I-N-T-E-R-O. Intero. Inside. Okay. Interoceptors. They receive the stimuli coming from within the body. And again, these are categorized into the three different parts or the three different types. One is the enteroceptors, ENT, enteroceptors. Interoceptors, enteroceptors. That's the difference. Okay. Now these enteroceptors, they are located inside the internal organs of different organs, internal body organs. Unme located hote hain. Jaise agar intestine mein hai, stomach mein hai. तो हमको पता चलेगा भूख का, ओके भूख लगी है इसका पता चलेगा. थ्रोट रीजन में है, गला सूख गया, थर्स का पता चलेगा, ओके तो ये पेन है. ये ऑस्मोटिक चेंजेस मींस दे आर लोकेटेड अगेन इन द ब्लड वेसल्स आल्सो एंड कैन डिटेक्ट द चेंज इन O2 एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन. O2 एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन. शुगर लेवल में चेंजेस हुआ है, शुगर लेवल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये सब पता चलाने के लिए कहां पर होते हैं? इंसान
internal organs of our body and so called as interoceptors. Then the next about the proprioceptors. Proprioceptors. They are located in a joint, muscles and the tendons. Okay, जहां पर एक बोन दूसरे बोन से ज्वाइन करता है, ज्वाइंट प्लेस पर. एंड यू नो दी सच ज्वाइंट प्लेसेस वेयर द टू बोन्स कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. एंड दीज ज्वाइनिंग बोन्स या आर्टिकुलेटिंग बोन्स एक दूसरे के द्वारा हेल्ड किए जाते बाय मींस ऑफ ए टफ फाइबर्स जिनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स. इनको बोलते हैं लिगामेंट्स. इन लिगामेंट्स में होते हैं ताकि अगर पर्टिकुलरली कहीं मूवमेंट हो रहा बोले बोन्स या पर्टिकुलर लिम्स का मूवमेंट हो रहा तो अल्टीमेटली बोन्स मूव हो रहे इसका पता हमको चलता है. कहां पर है? लिगामेंट्स में. अभी बोन्स के साथ अटैच रहने वाले जो स्केलेटल मसल्स है, मसल्स हमने नाम दिए है. That means because their appearance is just like a mouse-like appearance, mouse shape, spindle shape, bunch of that skeletal muscle just appear like a mouse means mouse-like, so called as the muscles. And by means of a tail-like endings of such muscles, these muscles get connected with the various bones. And by means of a their contraction, they causing the pulling effect. बायसेप पुल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली फ्लेक्शन होगा. ट्राइसेप पुल कर रहे हैं तो एक्सटेंशन होगा. तो मसल शोज दी पुलिंग इफेक्ट, नॉट पुशिंग इफेक्ट, पुलिंग इफेक्ट. तो हियर व्हेन द मसल्स गेट कनेक्टेड विद द बोन्स विद द हेल्प ऑफ द टेल लाइक एंडिंग्स, सच टेल लाइक एंडिंग्स आर कॉल्ड एज द टेंडन्स. उनको क्या बोलता है? टेंडन्स. तो एक प्रोप्रियोसेप्टर कहां पर है? लिगामेंट्स में है, टेंडन्स में है. और किसको डिटेक्ट करते हैं? टेंशन्स को, पेन को, स्ट्रेचिंग को, वाइब्रेशंस को. ये वाइब्रेशन हो रहा है, हमको पता है. ओके, वाइब्रेट हो रहा है. कोई अगर हेवी मशीनरी अगर आजू बाजू में काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो अल्टीमेटली वाइब्रेशन क्रिएट होगा. वो वाइब्रेशन, ओके, ग्राउंड लेवल पर अगर वाइब्रेशन हो रहा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशन हो रहा. तो बिकॉज ऑफ द अल्टीमेटली सेंसेशन क्रिएटेड इन द टेंडन एंड द लिगामेंट्स. तो सच द रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज द प्रोप्रियोसेप्टर्स. Next is nothing but the baroreceptors. Baroreceptors हमारे जो major blood vessels हैं, specially the aorta arises from the left ventricle, which is a major blood vessel. Okay? Superior and the inferior vena cavas, that means pre-caval and the post-caval. Now here, you know the whenever the blood flows through these blood vessels, that blood always with a great force. And when there is a force, ultimately that flowing blood exerts the pressure on the wall of such blood vessels. Aur pressure properly maintain hona chahiye. Agar pressure properly maintain hoga, to blood flow proper hoga. Less pressure hoga, to less flow hoga. Maximum pressure hoga, to maximum ultimately flow hoga. To is pressure ko maintain karna hai. कम हुआ तो बढ़ाना है, बहुत ज्यादा हुआ तो कम करना है. तो इसका भी सेंसेशन होना चाहिए. इसलिए मेजर ब्लड वेसल्स में, वॉल ऑफ ब्लड वेसल में स्पेशलाइज सेंसरी सेल्स हो एंड दीज आर एक्टिंग एज ए बैरोरिसेप्टर्स. एंड दीज अल्टीमेटली हाईली सेंसिटिव टू द चेंज इन अ ब्लड प्रेशर. ओके, एंड एज पर रिक्वायरमेंट दे कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन, dilation of the blood vessels. Another specialized such to the receptor, baroreceptor, also found to the in the wall of carotid artery we supply the blood to the brain. Carotid arteries, paired arteries supplying blood to the brain. And here these are highly sensitive. Agar heart rate jata hai ya blood volume jata hai to ultimately blood pressure jyada hoga. Us samay agar blood pressure jyada hai to pump karna padega, क्योंकि अगर मैक्सिमम प्रेशराइज ब्लड अगर फ्लो होता है टुवर्ड्स द ब्रेन तो जो फाइन कैपिलरीज है वो रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एंड यू नो व्हेनेवर द फाइन कैपिलरीज ऑफ द ब्रेन दिस गेट रप्चर्ड
इट इज कॉल्ड अ ब्रेन हेमरेज। तो ब्लड प्रेशर कम करना है तो क्या करेंगे, जैसे डिटेक्शन हुआ कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो दिस कॉजिंग दी वैसोडायलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट कर देंगे तो ब्लड प्रेशर कम किया जाएगा। अगर लेस प्रेशराइज ब्लड है, पहुंच ही नहीं रहा वहां पर, तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सके और ब्लड फ्लो मेंटेन हो पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन तक। तो सच होती बैरोरिसेप्टर्स विच आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द सच मेजर ब्लड वेसल्स, दीज आर हेल्पफुल टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, प्रॉपर ब्लड प्रेशर। इन दिस वे सच इंटरोसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टर, बैरोरिसेप्टर्स, दे आर अंडर द हेडिंग ऑफ इंटरोसेप्टर्स, INTERO, इंटरोसेप्टर्स, लोकेटेड इन साइड द बॉडी एंड रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम दैट इंटरनल स्टिमुलाई। ओके, तो इन दिस वे इट इज ऑल अबाउट द वेरियस रिसेप्टर्स विच आर लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल रिसेप्टर, इंटरनल रिसेप्टर्स, एंड देन द इफेक्ट ऑर्गन्स, दे आर ओनली टू, दैट मीन्स आइदर मसल्स और द ग्लैंड्स। अगर मसल्स है दे शो द रिस्पॉन्स बाय मीन्स ऑफ ए कॉन्ट्रेक्शन, अगर ग्लैंड्स है शो द रिस्पॉन्स बाय मीन्स ऑफ ए सिक्रेशन एज पर द मोटर इम्पल्स जनरेटेड बाय मीन्स ऑफ ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड इन दिस वे इट इज ऑल अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ द रिसेप्टर, बट हियर इन दिस टॉपिक वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फोनोरिसेप्टर एंड द स्टेटोरिसेप्टर एज वेल एज द फोटोरिसेप्टर्स इन डिटेल। मीन्स फोनोरिसेप्टर एंड द स्टेटोरिसेप्टर, स्टेटोएकोस्टिक ऑर्गन, स्टेटोएकोस्टिक ऑर्गन दैट इज द ईयर, ईयर फंक्शन हमको स्टडी करना है डिटेल में, एज वेल एज फोटोरिसेप्टर नथिंग बट द आई, आई स्ट्रक्चर डिटेक्ट करना है और मैकेनिज्म ऑफ विजन भी डिटेक्ट करना है, ईयर स्ट्रक्चर डिटेक्ट करना है, स्टडी करना है, और पर्टिकुलरली ईयर स्ट्रक्चर दैट इज मैकेनिज्म ऑफ साउंड, दैट इज अ हियरिंग, ये भी हमको स्टडी करना है। तो आई स्ट्रक्चर डिटेल में अलोंग विद द मैकेनिज्म ऑफ विजन, एंड देन द ईयर स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करना है अलोंग विद द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम द विच रिसेप्टर दैट इज द फोटोरिसेप्टर दैट इज द आई स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।